आदिनाथ मेडिको अब आपके मोबाइल पर। अब डॉक्टर का पर्चा हमें व्हाट्सएप करें और पाए दवाइयों की तेज होम डिलीवरी 10% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको। एमपी के सागर जिले के बीना में रहने वाले एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल मृतक संतराम यादव फेरी लगाकर झाड़ू बेचने का काम करता था। पिछले कुछ दिनों से पेट दर्द की बीमारी से परेशान था। मिली जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले पेट दर्द का इलाज कराने बीना से सागर के भाग्योदय हॉस्पिटल में आया था, जहाँ उसे 3 घंटे बाद भोपाल रेफर कर दिया गया था। भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल में डॉक्टरों को कोरोना पॉजिटिव होने पर संदेह हुआ और उसे कोविड-19 वार्ड में भर्ती कर उसकी जांच कराई गई, जो पॉजिटिव आई है, लेकिन इसी बीच उसकी मौत हो गई। इधर जानकारी लगते ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। बीना के स्थानीय प्रशासन ने गांधी वार्ड पहुंचकर वार्ड को सैनिटाइज कराया और कंटेनमेंट जोन भी बना दिया गया है और प्रशासन मृतक की ट्रेवल कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री का पता लगाने में जुटा हुआ है। शुक्रवार की दोपहर सागर कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक और एसपी अमित सांघी भी बीना पहुंचे और जायजा लिया। कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक ने कहा कि इसकी कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं मिली है, लेकिन हमारे सीएमएचओ से जो बात हुई है उसमें वह कोविड-19 पाया गया है और इसका जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है, उसके जो संपर्क में आए हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और सैंपल लिए जा रहे हैं। सभी लोग ICMR की गाइडलाइंस का पालन करें। वहीं भाग्योदय हॉस्पिटल में जहां उसका चेकअप हुआ उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है और ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक सैंपल भी लिए जाएंगे। इसमें अभी हालांकि भोपाल से कंफर्म रिपोर्ट अभी तक मिली नहीं है, लेकिन जो CMHO साहब की वहां पर बात हुई है और जो टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कोविड पॉजिटिव पाया गया है। तो जो हमारा सेट प्रोटोकॉल है, जो ICMR की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जिस भी जगह पे मरीज मिलता है, कोविड पॉजिटिव व्यक्ति मिलता है, उसको ईपी सेंटर माना जाता है। उसको मान के एक एरिया जो उसके संपर्क में आता है, अगर गली है या मोहल्ला है, तो उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, तो जो आपके ऑलरेडी बन गया है। इस कंटेनमेंट जोन में जो आवागमन है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी कि ये व्यक्ति पिछले 10-15 दिनों में किस किस से मिला, उनको सबको ढूंढ के आज 10-15 लोगों को बताया गया कि चिन्हित कर लिया गया है और उनको हम लोग ले जाकर उनका सैंपल ले रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई और व्यक्ति हो जिसको, जो यहाँ कंटेनमेंट के बाहर का भी हो, जिसको ये पता हो, ऐसा लगा हो कि वो इस व्यक्ति के संपर्क में आया हो, तो वो भी तत्काल DMO या फिर जो जिला कोरोना कंट्रोल रूम का नंबर है उससे सूचित करें। जो उसके साथ संपर्क में जो व्यक्ति था उससे मेरी कोई चर्चा नहीं हुई अभी, लेकिन अभी जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जो हमारी ICMR की गाइडलाइंस हैं हम उनका पालन करें। मैं आप सब लोगों से भी ये कहूँगी कि जैसे आपने मास्क लगाया ना, इसके ऊपर चढ़ा लें, है ना, नाक के ऊपर तक मास्क रखें, हाथ कवर रखें और जितनी सावधानी हो सके, बिना बड़ा शहर है और इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सावधानी और सतर्कता रखी जाए। हाँ एकदम। भाग्योदय के जो हॉस्पिटल जिनमें जिनके चेकअप किया उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है यहाँ पर भी, और इवन जो ICMR की गाइडलाइंस में कुछ लोगों का सैंपल भी लिया जाएगा, उसमें जो भी सिम्टोमेटिक पाए जाएंगे।
बीना से मनोज वाधवानी के साथ राम कुमार अहरवार, सागर टीवी न्यूज। आदिनाथ मेडिको अब आपके मोबाइल पर। अब डॉक्टर का पर्चा हमें व्हाट्सएप करें और 5 दवाइयों की तेज होम डिलीवरी 10% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको